तो हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं एस एस सी के रिजल्ट के बारे में। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, जो सी बी टी वन का जो रिज़ल्ट वो आउट हो चुका है, ठीक है। उसके बारे में बात करने वाले हैं कुछ। जो आपको सी बी टी टू का 4 दिसंबर को होने वाला, तो जैसे कि अपने को पेपर 1/9/2011 को हुआ था, ठीक है, सेंटर अलाउट किए गए थे। उसके सी बी टी बेसिकली हुआ था आपका 2 वी सी बी टी बेस ही होगा, तो उसमें नामिनेशन वगैरह भी हुए। ऐसे बात नहीं, नामिनेशन वगैरह हुए तो आपका जो है कट ऑफ आप लोगों की बनी नहीं, लेकिन जिनके मार्क्स आ रहे थे उनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। उसके बाद से बात करें, अभी नया पैरा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो अगर इसके 30% है मतलब पेपर वन में, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो 60 मार्क्स उसे होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% चाहिए आपको जो है अगर क्वालिफाइंग करने के लिए 50 मार्क्स, ठीक है, ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो। और अगर आप मतलब कि और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी हो गए, पीडब्ल्यूडी, ओएसटी, सो इनके लिए आपको 20% चाहिए मतलब 40 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। तो ये बस क्वालिफाइंग के लिए, लेकिन आपको कट ऑफ नहीं क्लियर कर सकते आप बस, लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। देखिए अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, जो सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ आपकी गई है। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो 10,154 जो स्टूडेंट हैं सेलेक्ट हुए हैं सी बी टी टू के लिए। हाँ तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल के लिए। जनरल कट ऑफ गई है 106.16773, यानी कि 1373 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। और तो वहीं हम बात करते हैं, जैसे कि जनरल की बात करते हैं 1373 बच्चों को लिया गया, 106.16773 गया नंबर। और ओबीसी की बात करें तो भी 106.57507 आया, इसमें ओबीसी बच्चे ज़्यादा हैं क्योंकि 3403 बच्चे। और एससी की बात करें तो 89.36 2376 बच्चे इसमें सेलेक्ट किए गए। एस टी में 87.33 इसमें 1127 बच्चे गए, ठीक है। ई डब्ल्यू एस में 98.91581 सेलेक्ट किए गए, ये नंबर कट ऑफ गई है। इतना सेलेक्टेड कितने वन 1696। ओ एच में 84.62 उसमें 69 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। एच एच का मतलब हैंडीकैप, इसमें 56.45 भी कट ऑफ, 68 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अदर पी डब्ल्यू डी में 40 गई है, ठीक है, और 42 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। टोटल 10,154 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो सब कुछ यहाँ पे नीचे दिया हुआ कितनी सीट थी, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो कम्बाइंड आप लोगों की सीट रहती है, ठीक है, 240 के आसपास सीटें थी दोनों को मिला के, 228 की। तो इसमें कट ऑफ जो है ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखते हैं तो ओबीसी के बीच में और जनरल के बीच में है, क्योंकि कट ऑफ से बस कैंडिडेट थोड़ा सा बढ़ गए हैं। जैसे जनरल ओबीसी में ज़्यादा है और जनरल में कम है। ओबीसी में आपकी कट ऑफ गई है 131.456 2/7, वही आपके जनरल के भी सेम गई है 131.456 2/7। 320 इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उसमें 770 सेलेक्ट हुए हैं। एससी की 116.03229 गई है, 402 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट। और एस टी की बात करें तो 105.81252 गई, जो 187 सेलेक्ट हुए, ठीक है। ई डब्ल्यू एस में गई 125.37901, टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आपके 344। तो जनरल में काफ़ी कम है, लेकिन ठीक है। हैंडीकैप तो 4.29715 गई है, मतलब 23 लड़के सेलेक्ट हुए इसमें, 23 कैंडिडेट। हैंडीकैप में 0.23740 गई, मतलब 3 कैंडिडेट। और अदर पी डब्ल्यू डी में, ठीक है, डिसेबल्ड में 56.34762 गई, मतलब कि 24 लड़के सेलेक्ट हुए इसमें। टोटल कैंडिडेट 2073 गई है। सीट वगैरह देख सकते हैं आप, 191 ई डब्ल्यू एस में 1 थी और एस सी की 69 थी, एस टी की 11 थी। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर सीटें हैं, तो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोगों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके अपना जो है आप देख सकते हैं, अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, क्योंकि सीटें बहुत कम थी, लेकिन बहुत बच्चों को जो है 10 गुना बच्चों को जो है सेलेक्ट किया गया है प्री के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस सी बी टी होने वाला है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि नंबर बहुत कम जाने वाला है, सी बी टी टू की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। अगर ढंग से आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने सी बी टी टू की तैयारी की हुई अच्छी ना, उसी का सिलेक्शन होगा, सेलेक्ट पाया सिलेक्शन के बाद। सवाल होगा जैसे कि ये कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका सिलेक्शन हुआ है प्री में, तो ये फाइनल रिजल्ट टाइम होगा प्री का, तो जितने भी लोगों का हुआ सिलेक्शन सबकी लिस्ट इसमें है। 206 पेज की पीडीएफ है ये पूरा कंप्लीट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पूरा कंप्लीट अपने रिजल्ट को, तो प्लीज़ जाइए और तुरंत अपने रिजल्ट को चेक करिए। बाय द वे जिनका हुआ सिलेक्शन उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, मैं जहदी से बता देता हूँ उनको,
और चैनल पहले ही आते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।